म इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्ले लिस्ट कंटिन्यू करेंगे आज की वीडियो का टॉपिक है पुलिंग ठीक है अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया और अगर आप सी एन एन के ऊपर काम करना चाहते हो तो पुलिंग का आपको आइडिया होना चाहिए पुलिंग इज बेसिकली अ लेयर जो आप अपने सी एन एन में एड करते हो राइट आफ्टर कॉन्वल्यूशन ले और उसके खुद के कुछ बेनिफिट्स हैं वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे आई एल गिव यू द इंट्यूशन पुलिंग क्या होता है उसकी ज़रूरत क्यों है के राज में उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड एवरी थिंग विल बी कवर्ड ठीक है सो सोलेक्ट स्टार्ट द वीडियो अब पूलिंग ऑपरेशन को समझने के पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पूलिंग की ज़रूरत क्यों है एक सी एन एन के अंदर सो so अभी तक हमने सी एन एन में इतना पढ़ा है कि कॉन्वल्यूशन ऑपरेशन कैसे होता है पैडिंग का क्या काम है स्ट्राइड्स कैसे काम करते हैं So, एक बार काइंड kind ऑफ of एक छोटा सा रिविज़न ले लेते हैं सो so, होता क्या है कि आपके पास होता है एक इमेज यू हैव गॉट एन इमेज फिर आपके पास फिल्टर्स होते हैं जैसे यहाँ पे दो फिल्टर्स हैं और आप कॉन्वल्यूशन ऑपरेशन करा के जो चीज़ जनरेट करते हो उसको बोला जाता है फीचर मैप ठीक है ये सब हमने डिस्कस किया था यहाँ पे जो convolution का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एक आर जी बी इमेज के ऊपर है ये सब हमने पढ़ रखा है ठीक है अब होता क्या है कि जब आप convolution ऑपरेशन लगाते हो तो दो परेशानियाँ आती हैं दो प्रॉब्लम्स आती हैं द फर्स्ट प्रॉब्लम इज मेमोरी इशूज़ इतना ज़्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती है कि आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाता है या आप फ्यूचर में कई बार देखोगे एंड सेकेंड देर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड ट्रांसलेशन variance इन दोनों प्रॉब्लम्स को पहले हम समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे पूलिंग ऑपरेशन इन दोनों को सॉल्व करता है लेट्स फोकस फर्स्ट ऑन द मेमोरी इशू एक बार मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक इमेज है और आपने उसके ऊपर अगर convolution ऑपरेशन चलाया तो ये फीचर मैप मेमोरी में कितना साइज कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करता है कितना स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है ठीक है तो हम लोग एक नॉर्मल सिनेरियो लेते हैं जहां पर मान लो आपके पास 228 क्रॉस 228 ट्वेंटी क्रॉस थ्री आर जी इमेज है सो ये 228 क्रॉस 228 इज़ काइंड ऑफ कॉमन इन सी आगे आप जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे वहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जितने भी अच्छे आर्किटेक्चर्स होते हैं सी में उनको इनपुट टू ट्वेंटी एट का ही चाहिए होता है इसलिए मैंने ये साइज़ लिया अब मान लो आपके पास थ्री क्रॉस थ्री के फिल्टर्स हैं और आप ऐसे हंड्रेड फिल्टर्स अप्लाई कर रहे हो ठीक है तो ऑब्वियसली आपका जो फीचर मैप बनेगा उसका जो साइज होगा वो होगा टू ट्वेंटी सिक्स क्रॉस टू ट्वेंटी सिक्स क्रॉस हंड्रेड क्योंकि हमारे पास टोटल मिला के हंड्रेड फीचर मैप्स बनेंगे वन फॉर ईच फिल्टर सो so बेसिकली हमें इतने नंबर्स को होल्ड करना है मेमोरी में इस लेयर के बाद अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपने इन नंबर्स को स्टोर करने के लिए 32 बिट फ्लोटिंग वैल्यूज़ को चूज़ किया है तो यू कैन डू द कैलकुलेशन दिस एंटायर थिंग विल टेक अप समवेयर अराउंड 19 एम बी ऑफ स्टोरेज इन योर रैम और ये सिर्फ एक ट्रेनिंग डेटा है इट्स ओनली वन ट्रेनिंग डेटा आप एक साथ पूरा बैच भेजते हो मान लो आपके पास अगर बैच है हंड्रेड का तो दिस वुड टेक समवेयर अराउंड वन पॉइंट फाइव जी बी सो यू कैन सी आप इतना बड़ा फीचर मैप नहीं रख सकते सो यू नीड टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ दिस फीचर मैप अदरवाइज आपका मशीन कुछ स्लो डाउन मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया कि किस तरीके से साइज़ से फ़र्क पड़ रहा है तो दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर वन कि हमें अपना जो फीचर मैप है उसका साइज़ रिड्यूस करना है सो वन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशंस टू रिड्यूस द साइज ऑफ दिस फीचर मैप इज़ अगर आप स्ट्राइड का वैल्यू बढ़ा दो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि अगर आप स्ट्राइड का वैल्यू बढ़ा देते हो तो ऑटोमेटिकली एक फार्मूला हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से ये जो फीचर मैप है इसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा बट आप स्ट्राइड से ज़्यादा यूज़ करते हो पूलिंग और उसका रीज़न ये है कि पूलिंग ये जो दूसरा प्रॉब्लम है ना ट्रांसलेशन वेरिएंस का इसको भी सॉल्व करता है नॉट ओनली मेमोरी इशू को भी सॉल्व करता है वो ट्रांसलेशन वेरिएंस के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है तो अब एक काम करते हैं जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि वॉट इज ट्रांसलेशन वेरियंस सो जो कॉन्वल्यूशन ऑपरेशन होता है ना वो ट्रांसलेशन वेरिएंस फॉलो करता है उसका मतलब ये है कि आपका जो कॉन्वल्यूशन ऑपरेशन जब परफॉर्म होता है ना तो उसका काम क्या होता है उसका काम होता है फीचर्स खोजना राइट फीचर्स आइडेंटिफाई करना इन योर इमेजेस जैसे कि ये कैट है तो इसके अलग अलग फीचर्स क्या हो सकते हैं इसके आईज़, इसके नोज इसका टेल राइट बट प्रॉब्लम क्या है कि जब convolution ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो ना तो जो फीचर्स खोजता है हमारा सी वो लोकेशन डिपेंडेंट हो जाते हैं लोकेशन डिपेंडेंट मतलब अगर बिल्ली इस तरफ है तो ऑब्वियसली फ़ीचर्स इस जगह पे दिखाई देंगे अगर बिल्ली इस जगह पे है तो फीचर इस जगह पे दिखाई देंगे अब प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप इमेज क्लासिफिकेशन जैसा कोई टास्क कर रहे हो जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैट है कि डॉग है तो आपको लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता फीचर के आपको फ़ीचर से फ़र्क पड़ता है बिल्ली का कान यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो इट डज नॉट मैटर वो बिल्ली का कान है आपको दोनों केसेस में ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो बिल्ली ही है बट अगर आपके फीचर्स लोकेशन डिपेंडेंट होने लग गए तो फिर आगे के लेयर्स में उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाने लगेगा यहाँ वाला कान विल बी डिफरेंट फ्रॉम यहाँ वाला कान एंड यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट सो द प्रॉब्लम विथ कॉन्वल्यूशन ऑपरेशन इज़ कि जो फीचर्स डिटेक्ट हो रहे हैं उनके साथ टाइड अप होता है उनका लोकेशन विच इज़ नॉट अ डिज़ायर्ड थिंग इसी को बोला जाता है ट्रांसलेशन वेरियंट्स कायदे से हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है ट्रांसलेशन इन वेरियंट्स मतलब कि यहां पे हो कोई फीचर या फिर यहां पे हो कोई फीचर फर्क ना पड़े हम दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करें और यही हमें देता है पूलिंग सो पूलिंग इज एक्चुअली अ वे टू डाउन सैंपल योर इमेज योर फीचर योर फीचर मैप एक्चुअली आप अपने फीचर मैप को डाउन सैंपल करते हो और उस डाउन सैंपलिंग की वजह से क्या होता है कि जो फीचर्स होते हैं वो लोकेशन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो ट्रांसलेशन इन वेरियंट बन जाते हैं सो दीज आर द टू मेजर इशूज़ जिसकी वजह से आप एक कॉन्वल्यूशन लेयर में एक सी एन एन के अंदर आप पोलिंग का इस्तेमाल करते हो ठीक है तो आई गेस मैंने आपको वाई समझा दिया है अब हम लोग मूव करते हैं वॉट एंड हाउ के ऊपर सो so, जैसा कि मैंने अभी बोला पूलिंग इज़ अ डाउन सैम्पलिंग ऑपरेशन जहाँ पर आप बेसिकली अपने फीचर मैप का साइज रिड्यूस करते हो सो so, एक सी एन एन के अंदर पूलिंग का जो स्टेप होता है वो कॉन्वल्यूशन के बाद आता है सो so, आप जनरली क्या करते हो आप कॉन्वल्यूशन लेयर के बाद पूलिंग लेयर ऐड करते हो सो जस्ट टू शो यू एन एग्जाम्पल ये हमारा इमेज है ये हमारा फिल्टर है ऑब्वियसली जब कॉन्वल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो यू विल गेट दिस फीचर मैप अब फीचर मैप में आप क्या करते हो सबसे पहले थोड़ा नॉन लीनियरिटी ऐड करते हो सो व्हाट यू डू इज़ यू अप्लाई अ रैल्यू ऑपरेशन ऑन टॉप ऑफ इट ठीक है आपको फीचर मैप मिला यहाँ पे नंबर्स हैं आप उन नंबर्स के ऊपर रैल्यू ऑपरेशन लगाते हो ठीक है नेगेटिव तो ज़ीरो पॉजिटिव तो जो नंबर है वही रहेगा एक बार जब आपके पास नॉन लीनियर फीचर मैप आ जाता है इसके बाद आप क्या करते हो आप पूलिंग ऑपरेशन अप्लाई करते हो अब पूलिंग में भी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पूलिंग ऑपरेशंस जैसे कि सबसे फेमस जो है वो है मैक्स पूलिंग बट और भी पूलिंग यूज़ होती है जैसे कि मिन पूलिंग होती है एवरेज पूलिंग होती है एल टू पूलिंग होती है और ग्लोबल पूलिंग भी होती है सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पूलिंग ऑपरेशन हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे बट यू गेट द आइडिया पुलिंग में यू डिसाइड कौन सा पुलिंग ऑपरेशन आपको करना है ठीक है तो नाउ लेट मी शो यू कि पुलिंग कैसे परफॉर्म होता है सो so मेरे पास ये फीचर मैप है विच बेसिकली कंटेंट्स फोर क्रॉस फोर का नंबर्स और मान लो थोड़ी देर के लिए कि वो फीचर मैप में ये नंबर्स हैं तो अब आपको क्या करना है आपको पुलिंग ऑपरेशन अप्लाई करना है तो पुलिंग लेयर करता क्या है आप उसको तीन चीज़ें बताओगे सबसे पहले आप उसको ये बताओगे कि साइज़ क्या होगा कितने विंडो के ऊपर ऑपरेट करेगा हमारा पूलिंग लेयर जनरली जो साइज होता है वो टू क्रॉस टू होता है बट यू कैन चेंज इट सेकेंड आप बताओगे स्ट्राइड क्या होगा स्ट्राइड uh, भी जनरली टू ही लिया जाता है बट अगेन यू कैन चेंज और थर्ड आप बताते हो टाइप ऑफ पूलिंग सो मान लो थोड़ी देर के लिए हम लोग मैक्स पूलिंग कर रहे हैं ठीक है ये हमारा फीचर मैप है इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है मैक्स पूलिंग टू बाई टू का विद अ स्ट्राइड ऑफ टू सो करना क्या होता है आपको कि आप टू बाई टू का विंडो को पकड़ते हो ये रहा आपका टू बाई टू का विंडो आप इसको पकड़ते हो और इसमें जो चार नंबर्स हैं इसमें जो मैक्सिमम नंबर है आप उसको उठा लेते हो फाइव ठीक है बेसिकली आपने एक एग्रीगेट ऑपरेशन चला दिया मैक्सिमम निकालने का अब आप क्या करोगे आप अपने विंडो को मूव करोगे और सिंस आपका स्ट्राइड टू है आप सीधे यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर आप क्या करोगे आप इस विंडो को पकड़ोगे और इससे सेम क्वेश्चन पूछोगे कि मैक्सिमम कौन है अगेन जो मैक्सिमम है वो है थ्री ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे फिर से विंडो को मूव करेंगे नीचे की तरफ तो हम यहाँ हैं हम यहाँ आ जाएंगे और ये रहा हमारा अगला विंडो इसमें जो मैक्स है वो है सेवन फिर हम आगे बढ़ेंगे इस जगह पे और इसमें जो मैक्स है वो है फोर सो दिस इज इट इतना सिंपल होता है आपको आपका जो फीचर मैप था जो पहले फोर क्रॉस फोर था वो अब टू बाई टू हो गया बिकॉज ऑफ दिस साइज ठीक है तो यू कैन सी नाउ दिस इज़ योर फीचर मैप ठीक है आपने उसका साइज़ रिड्यूस कर दिया और ट्रांसलेशन इनवेरियंस भी इसमें आ जाता है कैसे आता है मैं आपको एक रफ इंट्यूशन देता हूँ जैसे कि मैक्स पुलिंग कैसे काम कर रहा है मैं आपको उसका एक रफ इंट्यूशन देता हूँ सो so, हो क्या रहा है कि आप ऐसे समझ सकते हो कि ये सारे के सारे फीचर्स हैं बट आप क्या कर रहे हो एक छोटे से एरिया में एक छोटे से रिसेप्टिव फील्ड में आप जो सबसे डोमिनेंट फीचर्स होते हैं जो सबसे डोमिनेंट फीचर्स हैं विच इज दिस वन आप सिर्फ उसको ले रहे हो बाकी सबको हटा दे रहे हो एंड सेम गोज विथ द नेक्स्ट ब्लॉक द नेक्स्ट ब्लॉक एंड द नेक्स्ट ब्लॉक ठीक है सो मैक्स पुलिंग क्या कर रहा है इंटरनली कि वो एक छोटे रिसेप्टिव एरिया या रिसेप्टिव फील्ड में जो सबसे डोमिनेंट फीचर्स है उसको रख रहा है और जो डोमिनेंट फीचर्स नहीं है छोटे फीचर्स हैं उनको हटा दे रहा है तो इन अ वे जो लो लेवल डिटेल्स हैं जो लो लेवल डिटेल्स हैं आप काइंड kind ऑफ of उसको एलिमिनेट कर रहे हो और जो हायर लेवल डिटेल्स हैं आप सिर्फ उसको रख के आगे बढ़ रहे हो सो so, इससे क्या होता है इससे आपका एक तरीके का ट्रांसलेशन इन वेरियंस आता है बिकॉज आपने डाउन सैम्पल कर दिया अपने पूरे के पूरे इमेज को ठीक है तो दिस इज हाउ पूलिंग वर्क्स। आई कैन आई आई होप आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मिन पुलिंग कैसे काम करेगा मिन पुलिंग में आप सबसे कम वाले नंबर को लोगे एवरेज पुलिंग कैसे काम करेगा आप चारों का एवरेज निकाल दोगे एल टू पूलिंग में आप एल टू नॉर्म निकाल लोगे ठीक है तो यू गेट द आइडिया कि ये पूरी चीज़ कैसे काम कर रही है अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ जिससे जो आपने अभी सीखा वो आपके आंखों के सामने एकदम क्लियर हो जाएगा तो फॉर डेमो आई एम अगेन गोइंग टू शो यू डीप लिजर डॉट कॉम का डेमो यू शॉट आउट टू देम बहुत बढ़िया उन्होंने डेमो बनाया है दे हैव ऑल्सो गॉट डीप लर्निंग प्ले लिस्ट अगर आप चाहो तो जा करके चेकआउट कर सकते हो जो भी है दिस इज द डेमो अगेन यहाँ पर दो ऑप्शन हैं दो डेटा सेट्स हैं हम लोग एमलिस्ट uh, वाले को चूज कर रहे हैं यू कैन चूज़ डिफरेंट डिजिट्स से हमने थ्री को चूज़ किया और uh, यहाँ पे आप अपना फ़िल्टर डिसाइड कर सकते हो फिल्टर का हाइट और विथ कितना होगा और हॉरिजोंटल और वर्टिकल स्ट्राइट कितना होगा हम लोग डिफॉल्ट वाला कन्फिग्रेशन ले चल रहे हैं टू टू वाला और uh, उसके बाद दैट सेट अब आप जैसे ही स्टेप पे क्लिक करोगे यू कैन सी स्टेप बाई स्टेप You would be able to see, किस तरीके से पुलिंग ऑपरेशन काम कर रहा है वे यू केन सी अभी तो सारा ही जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां से आपको चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती हुई हो, दिखाई देंगी यू कैन सी राइट और अब मैं अगर प्ले पे क्लिक कर दू तो दिस इज द रिजल्ट ठीक है सो so, ये हमारा फीचर मैप है और ये उसका डाउन सैम्पल्ड वर्जन है और आप चाहो तो अलग अलग डिजिट्स के ऊपर चला के देख सकते हो सी लेट्स ट्राई विथ सेवन लेट्स ट्राई विथ एट एन यू कैन सी आपका जो हाई लेवल फीचर्स हैं वो कैप्चर हो रहे हैं लो लेवल डिटेल्स को काइंड ऑफ इग्नोर किया जा रहा है ठीक है तो दैट इज़ हाउ पूलिंग वर्क स्पेशली मैक्स पूलिंग आई वुड रिकमेंड एक बार आप इस डेमो पे आओ और इसको एक बार चला करके देखो प्ले विथ इट और अपनी लर्निंग्स को काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट करो लेट्स ऑल्सो डिस्कस कि अगर आप आर इमेज के ऊपर uh, काम कर रहे हो और आपने मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई किए हैं बेसिकली अगर आप वॉल्यूम्स के ऊपर काम कर रहे हो तो पूलिंग कैसे ऑपरेट करेगा ठीक है सो यू कैन सी हमारे पास एक सिक्स क्रॉस सिक्स क्रॉस थ्री आर जी बी इमेज है दो फिल्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं थ्री क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री का ऑब्वियसली जब कॉन्वल्यूशन होगा तो दो फीचर मैप्स बनेंगे फोर क्रॉस फोर के जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं तो अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है इसके ऊपर इन दोनों के ऊपर रैली अप्लाई करना है एक बार जैसी रैल्यू अप्लाई हो गया अब मैं इसके ऊपर पोलिंग अप्लाई करूंगा और पुलिंग अप्लाई करने में आपको कुछ नहीं करना है सिंपल है इफ़ यू हैव गॉट मल्टीपल फीचर मैप्स आप क्या करते हो आप इंडिविजुअल फ़ीचर मैप्स के ऊपर पोलिंग करते हो सो so, अगर आपके पास दो फीचर मैप्स हैं आप पहले इस वाले पे करोगे फिर पीछे वाले पे करोगे सो बेसिकली रिजल्टेंट क्या होगा कि आपके पास दो फीचर मैप्स बनेंगे टू बाय टू के लाइक like दिस ठीक है सो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम होगा वो ये होगा आई होप आपको समझ में आ रहा है अगर यहाँ पे हंड्रेड फिल्टर्स होते तो यहाँ पे फोर क्रॉस फोर क्रॉस हंड्रेड फीचर मैप्स होते तो हम सबके ऊपर अप्लाई करते मैक्स पुलिंग और हमारे पास ये शेप होता टेंसर का ठीक है तो बस समझने वाली बात यह है कि इफ़ यू हैव गॉट मल्टीपल फीचर मैप्स आप इंडिविजुअल फ़ीचर मैप्स के ऊपर पुलिंग अप्लाई करोगे और फिर आपके पास एक टेंसर इस तरीके का आ जाएगा कुछ खास नहीं है नथिंग स्पेशल सो लेट मी क्विकली शो यू कि केरास में आप मैक्स पुलिंग कैसे अप्लाई करते हो सो so, यहाँ पे मैंने सारी के सारे जो भी डिपेंडेंसीज थे सब इम्पोर्ट कर लिया है कैरास से हमने एमनेस डेटा साइट को इम्पोर्ट किया और ये रहा हमारा मॉडल uh, यहाँ पर यू कैन सी मैंने दो कॉन्शन लेयर्स अप्लाई किए हैं दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन और इन दोनों के बाद मैंने मैक्स पुलिंग लेयर अप्लाई किया है सो दिस इज़ द क्लास मैक्स पुलिंग टू डी यहाँ पर आप दो चीज़ें स्पेसिफाई कर रहे हो पूल साइज कितना है और स्ट्राइड का वैल्यू कितना है ठीक है और ऐसा मैंने सेम चीज़ सेकेंड वाले के बाद भी किया ओके और अब अगर आप यहाँ पर आओ मॉडल समरी में तो यू कैन सी बहुत सिंपल है इनिशियली आपका इमेज साइज था ट्वेंटी सिक्स एम सॉरी ट्वेंटी एट बाई ट्वेंटी एट उसके ऊपर आपने थर्टी टू फिल्टर्स अप्लाई किए थ्री बाई थ्री के तो आपका जो फीचर मैप था वो बन गया ट्वेंटी 26, 26, जब आपने उस पेपर मैक्स पुलिंग अप्लाई किया तो वो सीधे आधा हो गया थर्टीन थर्टीन थर्टी टू का अब आपने फिर से क्या किया थर्टी टू फिल्टर्स अप्लाई किए कॉन्विल्यूशन करने के लिए तो ये फिर से हो गया ग्यारह ग्यारह बत्तीस और फिर आपने जब मैक्स पुलिंग अप्लाई किया तो वो फाइव फाइव थर्टी टू हो गया ठीक है ऑल्सो एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जहाँ भी आपको मैक्स पुलिंग लेयर दिख रहा है वहाँ पे आपको ट्रेनेबल पैरामीटर्स जीरो दिखेंगे जैसा मैंने आपको बताया कि मैक्स पुलिंग में कुछ भी ट्रेनेबल नहीं होता बिकॉज इट इज जस्ट एग्रीगेट ऑपरेशन तो ट्रेन करने का जरूरत नहीं है ठीक है तो एक बार आप केरास में जाओ और ट्राई करो इस चीज को थोड़ा पर्स्पेक्टिव मिलेगा हमने देख लिया कि पूलिंग कैसे काम करता है अब एक बार डिस्कस करते हैं व्हाट आर ऑफ पूलिंग। ठीक है पहला एडवांटेज तो हमने जो डिस्कस किया वो ये है कि आपका जो साइज होता है फीचर में आपका वो रिड्यूस हो जाता है रिड्यूस साइज राइट मतलब लेट मी मोर एग्जाम्पल मान लो आप एक आर इमेज के साथ काम कर रहे हो विच इज़ टू ट्वेंटी इसके ऊपर मान लो आपने थ्री बाई थ्री बाई थ्री के हंड्रेड फ़िल्टर अप्लाई किए तो जो आपका रिजल्टेंट फीचर मैप होगा उसका साइज होगा उसका साइज होगा टू ट्वेंटी सिक्स बाय टू ट्वेंटी सिक्स बाय हंड्रेड दिस विल बी द टेंसर अब जब इसके ऊपर आप पूलिंग करोगे तो आपका साइज़ ये अगर आपने टू बाई टू का लिया है साइज और स्ट्राइड आपने टू लिया है तो इट विल बी रिड्यूस्ड टू 113 सौ तेरह एक बाय हंड्रेड सो यू कैन सी आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और आप इस साइज़ पे पहुँच जा रहे हो ठीक है तो साइज रिड्यूस हो रहा है दिस इज़ एडवांटेज नंबर वन एडवांटेज नंबर टू इज़ जो हमने शुरू में डिस्कस किया था इस वीडियो के ट्रांसलेशन इन वेरियंस मतलब फीचर कहाँ है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता फीचर है इस बात से फर्क पड़ता है अब एक सी एन एन मॉडल को ट्रांसलेशन इन वेरियंट बनाने का जो तरीका होता है वो ये है कि आप डाउन सैम्पलिंग करते हो जिससे आपका जो मॉडल है वो हायर लेवल फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करने लगता है लोअर लेवल डिटेल्स को इग्नोर करने लगता है ठीक है यू कैन सी ये इमेज में आपको समझ में आएगा कि हमारे पास दो इमेजेस हैं और दोनों में एट लिखा हुआ है बट यू कैन सी कि दोनों का जो एट है वो हल्का सा शिफ्टेड है दिस इज़ एट इन पिक्चर वन एंड दिस इज़ एट इन पिक्चर टू एंड यू कैन सी जब आपने इसके ऊपर मैक्स पुलिंग अप्लाई किया दोनों का जो फीचर मैप बन के आया वो एग्जैक्टली exactly सेम है सो so, यहाँ पर यू कैन सी देर इज़ अ ट्रांसलेशन इन वेरियंस मतलब फीचर है इस बात से फ़र्क पड़ रहा है फीचर कहाँ है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आई होप आपको समझ में आ रहा है नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ पुलिंग इज इन्हैंस्ड फीचर बट ये एडवांटेज सिर्फ मैक्स पूलिंग के केस में होता है मिन पूलिंग और बाकी पूलिंग में नहीं होता सो इन्हैंस्ड फीचर्स में क्या होता है यू कैन सी ये डेमोस्ट्रेशन आपको समझा देगा कि ये इमेज है इसके ऊपर जब आपने मैक्स पूलिंग अप्लाई किया तो यू कैन सी जो एजेस हैं वो थोड़े ज़्यादा आपको ब्राइट लग रहे होंगे ठीक है और उसका रीज़न ये है कि मैक्स पूलिंग काम कैसे करता है कि आप एक छोटा सा एरिया लेते हो जिसको आप रिसेप्टिव फ़ील्ड बोलते हो और इस रिसेप्टिव फील्ड में अलग अलग नंबर्स हैं आप उस नंबर को निकाल लेते हो जो सबसे डोमिनेंट होता है सो इन अ वे आप एक लोकल रिसेप्टिव फील्ड में जो सबसे डोमिनेंट फीचर्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो दैट इज़ वाई आपका जो इमेज निकल के आएगा या जो फीचर मैप निकल के आता है उसमें थोड़े जो फीचर्स होते हैं वो इन्हांस्ड होते हैं ठीक है और ये सिर्फ मैक्स पुलिंग के केस में है बाकी टाइप्स के पुलिंग में ऐसा नहीं होता है दिस इज़ एडवांटेज नंबर थ्री एंड द लास्ट एडवांटेज इज़ कि देर इज नो नीड ऑफ ट्रेनिंग राइट मैंने आपको बताया था कि कॉन्वल्यूशन लेयर में जो आपके फिल्टर्स होते हैं उसका वैल्यू क्या होगा ये ट्रेनिंग के दौरान पता चलता है यूजिंग बैक प्रिपोगेशन एंड स्टफ बट मैक्स पूलिंग या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी और पूलिंग जो होता है इट इज़ जस्ट अ एग्रीगेट ऑपरेशन आप कर क्या रहे हो आप चार में से मैक्सिमम वाले को फाइंड आउट कर रहे हो तो यहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है ठीक है चार नंबर में से एक नंबर जो सबसे मैक्सिमम है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यू डू नॉट नीड टू ट्रेन योर मॉडल यू जस्ट नीड एन एग्रीगेट फंक्शन ठीक है सेम इन द केस ऑफ मिन पोलिंग और एवरेज पोलिंग तो यहाँ पे बस आपको बस अपने मॉडल को तीन चार चीज़ें बतानी होती हैं पहला वॉट विल बी द लोकल रिसेप्टिव फील्ड स्ट्राइड का वैल्यू क्या होगा और टाइप ऑफ पुलिंग जो आपको चाहिए है बैक प्रपोगेशन के टाइम मैक्स पुलिंग में कुछ भी नहीं होता कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होता जिसकी वजह से इट इज़ फास्टर ठीक है एंड दैट इज़ वाई इट परफॉर्म्स बेटर देन यूजिंग स्ट्राइड्स सो केराज में आपको तीन तरह के पुलिंग लेयर्स दिखाई देंगे द फर्स्ट वन वुड बी मैक्स पुलिंग जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमने डिस्कस भी कर लिया सेकेंड होता है मेन पोलिंग आई एम सॉरी नॉट मेन पोलिंग एवरेज पोलिंग एंड द थर्ड वन इज ग्लोबल पूलिंग लेयर्स ग्लोबल पूलिंग में भी दो टाइप के लेयर्स होते हैं ग्लोबल मैक्स पूलिंग एंड ग्लोबल एवरेज पूलिंग सो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन एवरेज पूलिंग क्योंकि मैक्स पूलिंग हमने कर लिया उसके बाद विल डिस्कस ग्लोबल पूलिंग ठीक है सो एवरेज पूलिंग में बहुत सिंपल है आप बेसिकली अपने पूलिंग एरिया का एवरेज निकाल लेते हो सो फॉर एवरी एरिया यू विल गेट वन नंबर विच विल बेसिकली बी द एवरेज फीचर उन सारे फीचर्स का काइंड kind ऑफ of आपने एवरेज निकाल लिया ठीक है uh, ज़्यादातर मेरे ओपिनियन में मैक्स पूलिंग यूज़ होता है बट कभी कभी कुछ सिनारियोज़ में यू कैन ऑलसो ट्राई आउट एवरेज पूलिंग इट डिपेंड्स ठीक है ग्लोबल पूलिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग है ग्लोबल पूलिंग में आप क्या करते हो कि मान लो अगर आप डिस्कस कर रहे हो ग्लोबल मैक्स पूलिंग तो इसमें क्या करते हो आप इस पूरे के पूरे फीचर मैप को एक वन क्रॉस वन मीट्रिक्स में बेसिकली एक स्केलर वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हो सो ग्लोबल मैक्स पूलिंग क्या करेगा इस पूरे के पूरे फीचर मैप में जो मैक्सिमम वैल्यू है विच इज़ सेवन वो आपको निकाल के दे देगा सो दिस विल बी द आउटपुट ठीक है ऑफ ग्लोबल मैक्स पूलिंग सिमिलरली अगर आप ग्लोबल एवरेज पूलिंग लगाओगे तो आप इन सारे नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करके एक नंबर में दे दोगे दैट्स इट अगर आपके पास मल्टीपल फीचर मैप्स हैं अगर आपके पास मल्टीपल फीचर मैप्स हैं मान लो आपके पास फीचर मैप है फोर क्रॉस फोर क्रॉस थ्री तीन फीचर मैप्स हैं तो आपका अगर आप इसके ऊपर ग्लोबल मैक्स पूलिंग लगाओगे तो द आउटपुट वुड बी वन क्रॉस थ्री तीन नंबर्स मिल जाएंगे वन फॉर ईच फीचर मैप ठीक है तीनों का मैक्सिमम वैल्यू आपको निकल के मिल जाएगा तो ग्लोबल पूलिंग कहाँ यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ इन द एंड जब आप फ्लैटन uh, करते हो और फुली कनेक्टेड लेयर में अपने डेटा को पास करते हो तो यू कैन एक्चुअली यूज़ ग्लोबल मैक्स पूलिंग एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लैटन ठीक है यू यूज दिस टू रिड्यूस ओवर फिटिंग ठीक है तो इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे अभी बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे मुझे कि मैं मैक्स पूलिंग आपको अप्लाई करके पढ़ाऊंगा ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया अगर आपसे कोई पूछ ले कि पूलिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं तो मेरी नज़र में दो सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस हैं Uh, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि पुलिंग गिव्स यू दिस फीचर ऑफ ट्रांसलेशन इन वेरियंस मतलब फीचर का लोकेशन कहीं भी हो फीचर को डिटेक्ट कर लेता है लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता अब ये जो ट्रांसलेशन इन वेरियंस का जो फीचर है ना ये कुछ सिचुएशंस में आपको काम आएगा लाइक इमेज क्लासिफिकेशन आपको आइडेंटिफाई करना है कि इमेज में कैट है या नहीं कैट कहाँ पर है फर्क नहीं पड़ता तो इस तरह के सिचुएशन में आप पूलिंग को यूज़ कर सकते हो बट देर आर सर्टन कंप्यूटर विजन टास्क जहाँ पे फीचर का लोकेशन बहुत मैटर करता है लाइक इमेज सेगमेंटेशन ठीक है इमेज को अलग अलग सेगमेंट्स uh, में डिवाइड करना अब क्लियरली यहाँ पे गाड़ी इसी जगह पर है तो फीचर भी इसी जगह पर होना चाहिए तो इमेज सेगमेंटेशन जैसे टास्क में आप पूलिंग उतना यूज़ नहीं करते सो दैट्स वन ऑफ़ द डिसएडवांटेजेस द सेकेंड डिसएडवानटेज इज़ यू लूज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको याद होगा कि फोर क्रॉस फोर से आप सीधे टू क्रॉस टू पे आ जाते हो मतलब यू लूज़ अराउंड सेवेंटी फाइव परसेंट फीचर्स सेवेंटी फाइव परसेंट इन्फॉर्मेशन दिस इज सिक्सटीन दिस इज़ फोर ठीक है सो so बेसिकली आप अपना सिर्फ वन फोर्थ इन्फॉर्मेशन रख रहे हो बाकी सब हटा रहे हो तो एक ये डिसएडवांटेज है कि यू लूज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट अगेन या इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन दैट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड वहाँ पर पूलिंग काम आ सकता है या नहीं भी काम आ सकता है कुछ पेपर्स ऐसे भी आए हैं पास्ट में जहाँ पे ये दिखाया गया है कि पूलिंग की ज़रूरत नहीं है विदाउट पूलिंग सिर्फ कॉन्वल्यूशन लेयर लगा करके भी आप डिसेंट एक्ूरेसीज गेन कर सकते हो ठीक है बट जो भी है पोलिंग इज़ एन इंटरेस्टिंग आइडिया और रिसेंटली इसके ऊपर बहुत काम चला है तो आपको पता होना चाहिए सो दैट वॉज द वीडियो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट्स इट फ्रॉम माई साइड मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाई